की तैयारी भी तमाम राजनीतिक दलों ने कर ली है और इसीलिए आज तमाम दिग्गज मैदान में नजर आ रहे हैं। सीधा आपको हम हमीरपुर लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है। देखिए ये प्रियंका गांधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं और जमकर नारेबाजी हो रही है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी चंदेल के लिए ये प्रचार किया जा रहा है। तीसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है तीसरे चरण में, और उससे ठीक पहले प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं हमीरपुर और मौदहा में इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर रोड शो चल रहा है प्रियंका गांधी का। तो देखिए तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज आज चुनावी मैदान में हैं। अब निशाना तीसरे चरण पर है और तीसरे चरण को साधने के लिए तमाम दिग्गज जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वार पलटवार हो रहा है और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये प्रियंका गांधी अपने चिर परिचित अंदाज में इस वक्त जनता से मुखातिब हो रही है, हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रही है और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त करती हुई नजर आ रही हैं। तो तीसरे दौर के चुनाव के लिए अब दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है, चुनावी मैदान में सब उतर चुके हैं। इसी कड़ी में हमीरपुर पहुंची हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और रोड शो कर रही हैं मौदहा में। भारी भीड़ आप देख सकते हैं उनके समर्थकों की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, जमकर नारेबाजी की जा रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन चुनावों में दिया है और उस नारे का भरपूर इस्तेमाल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है, कांग्रेस में जान डालने की कोशिश की जा रही है। तो मौदहा से ये रोड शो की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। इस वक्त उनका रोड शो चल रहा है और पूरे जोश और खरोश के साथ इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं तमाम कार्यकर्ता। ये तीसरे दौर का प्रचार है। राजकुमारी चंदेल यहां से प्रत्याशी हैं कांग्रेस की और उनके ही लिए ये रोड शो हो रहा है। तो प्रियंका गांधी का रोड शो यहां पर आपने देखा। अब चलिए सीधे आपको झांसी